हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने। आज जो आपका पेपर हुआ है शिक्षण अधिनियम के सिद्धांत, इसका हम पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं। और जो 15 प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न, उन सभी का सॉल्यूशन हम करवाने वाले हैं। फटाफट से सॉल्यूशन कराएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और आपको इस वीडियो के अंत में ये चेक करके बताना है कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज का पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब नॉर्मली चलो हमारा डीएलएड चल रहा है साथ के साथ, तो समझ लीजिए कि अब वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। चीज़ें अब जो इसका लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? तो ये है आपका V.F. स्किनर का। पुराने सालों के प्रश्न आप लोग ज़रूर लगा के जाइएगा और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, आपको डिटेल में अब अध्ययन करना होगा। शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, ये कथन किसका है? तो यह है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये सभी के लिए करते हैं, चाहे शिक्षण के नियोजन हो, शिक्षण की व्यवस्था हो, शिक्षण का मूल्यांकन हो, ये सभी के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं, किन किन चीज़ों को अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल्स के माध्यम समझाते हैं, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट है, कोई संकल्पना है समझ जाते हैं, कोई कठिन तथ्य है, अमूर्त भाव है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत सिंपल सा है, प्रश्नोत्तर विधि किसके समय से चली आ रही है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक अगर पूछा जाता है तो अभी आप सुकरात का ही नाम लगाते। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कई छात्रों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, परिभाषा किसकी? ये है आपकी परिभाषा गेट्स की। क्वेश्चन नंबर 8, अगर कोई भी प्रश्न गलत होता है, जैसे मान लीजिए बताने में कभी त्रुटि हो जाती है, कभी हमें समझने में त्रुटि हो जाती है, तो उसका आंसर नीचे हम आपको त्रुटि सुधार में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में संप्रेषण का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? ये शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का जो सही जवाब होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है, बट आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से इसका आंसर ऑप्शन ए है, बट कहीं कहीं इसका आंसर आपको ऑप्शन सी भी देखने को मिला है। बाकी आपने क्या कुछ लगाया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 12, जब बच्चे टॉक यानी कि हम बातचीत करते हैं कम्युनिकेशन के और चौक से नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं, शिक्षण विधि बदलते हैं? नहीं बदलते हैं, सैम पर तो ऑलरेडी प्रयोग करते ही हैं मौखिक। हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम जो उसकी सहायक सामग्री है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका फ्रोबेल महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब कई लोग इसको नेगेटिव के आधार पर गलत करके आए हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए, कई लोगों ने आवश्यकता अनुसार लगाया है, जबकि आंसर ये नहीं हुआ। शिक्षण अधिगम सामग्री जो है इसका प्रयोग हम अधिक से अधिक करें ताकि बच्चे उस चीज़ों को आसानी के साथ समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्या किया है, अपने पेपर में क्या किया है बताइएगा ज़रूर। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बट कहीं कहीं इसका ऑप्शन डी भी दे रखा है। आपने इसका क्या आंसर किया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि पेपर का लेवल आपको कैसा लगा था। क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। लघु क्षेत्रीय पर्यटन से आपका क्या अभिप्राय है, बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टांत कौशल क्या होता है? अगर आपने देखो पेपर को पेपर समझ के तैयारी की है कि हम पेपर देने जा रहे हैं तो आप कर पाएंगे। अगर ये कहो कि केवल हम नाम से डीएलएड करना चाहते हैं, हमारा साथ के साथ कुछ और चलता रहे, हम डीएलएड कर लें, तो अब वो चीज़ें आसान नहीं है इतनी। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज अच्छा नहीं है, वर्तमान में आप पढ़ाई में समय नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो अभी आप चेत जाइए। अभी आपके दो ही पेपर हुए, 50-50 नंबर के पेपर हो गए। अगर कल के पेपर थोड़ा सा भी टफ आ गए, साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, तो फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। इसलिए आपके पास समय है, आप पुराने वर्षों के जितने भी पेपर हैं सभी पेपर लगा के जाइएगा। बाकी शाम को एक वीडियो करें अपलोड करेंगे साइंस का, आप लोग जरूर देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।